नमस्कार, मैं कृति। आप देख रहे हैं NBC 24। सिपाही बहाली के नाम पर पटना के एक ASI ने लाखों की ठगी कर ली है। बता दें, सिपाही की नौकरी दिलाने के लिए ASI और उसके बेटे ने 8 लाख की ठगी की है। अब इन दोनों के खिलाफ पटना के श्री कृष्णपुरी थाने में मामला दर्ज किया गया है। जानकारी के अनुसार ठगी का आरोप पटना पुलिस लाइन में पोस्टेड ASI मोहम्मद मुमताज और उसके बेटे एजाज खान उर्फ खुर्शीद आलम पर है, जहां गोपालगंज के बैकंठपुर के रहने वाले राजा कुमार खुशवाहा ने पिता पुत्र पर लिखित शिकायत दे SK पुरी थाने में FIR दर्ज किया है। राजा ने पुलिस को बताया कि पिता पुत्र ने उनसे और उनके दोस्त मुन्ना राम से सिपाही की बहाली कर देने के लिए 8 लाख रुपए की ठगी कर ली है। SK पुरी थानेदार सतीश सिंह ने कहा कि केस दर्ज कर लिया गया है, इसकी छानबीन शुरू कर दी गई है। मिली जानकारी के अनुसार राजा पुल के पास एक अपार्टमेंट में रहकर प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करता है। उनसे बताया गया है कि साल 2019 में वो और उसके दोस्त मुन्ना सिपाही बहाली की वैकेंसी निकालने के दौड़ के लिए गांधी मैदान जाया करते थे। इसी दौरान एजाज से मुलाकात हुई। उसने कहा कि उसके पिता पुलिस में हैं, वह नौकरी दिलवा देगा। फॉर्म भरने के बाद एजाज के पिता मुमताज से पुलिस लाइन में मुलाकात हुई, जहां मुमताज ने दोनों से 10 लाख रुपए की मांग की। राजा और उसके दोस्त ने मिलकर एजाज को 6 लाख खाते में और 2 लाख कैश दिया। लेकिन जब विवाद वर्ष जून में रिजल्ट आया, तब वो दोनों का सिलेक्शन नहीं हुआ था। इसके बाद हम लोग जब भी पैसे की मांग पिता बेटे से करते, या लेकिन वे हमें वर्दी का रूप दिखाकर भगा देते। ऐसे और भी तमाम खबरों के साथ जुड़े रहने के लिए देखते रहे NBC 24।